हेलो, तुम्हारे मम्मी डैडी के बारे में सुना। आई एम रियली सॉरी, बहुत अफसोस हुआ। कई बार दिल ने चाहा कि तुम्हें आकर मिलूं, दिलासा दूं, मगर क्या करूं, कर मजबूर थी। तुमसे ना मिलने की कसम जो खाई है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं करण? कुछ बोलो ना। I'm sorry. सजा देकर मैं खुद ही भूल गई, लेकिन मेरा यकीन मानो करण, इसी सजा में हम सबकी भलाई है। Yes, what can I do for you? आप? जी मैं निशि हूँ, मेहरा साहब के न्यूली अपॉइंटेड पीए। मिस निशि, नाइस मीटिंग यू। मेरा नाम कपिल है, कपिल मेहरा। इस कंपनी के मालिक मिस्टर मेहरा की इकलौती बिगड़ी हुई औलाद हूँ मैं। जी। अरे आप तो घबरा गई, डोंट यू वरी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना लोग मेरे बारे में कहते हैं, बिलीव मी। एंड आई डोंट माइंड, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा ना। चलिए बैठिए। अरे बी सीटेड। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओह डोंट कॉल मी सर, नेवर कॉल मी सर। आई एम लाइक योर फ्रेंड, लाइक योर यंगर ब्रदर, यू कॉल मी कपिल। अबे सर वर्ड तो उनके लिए होता है जो इस दफ्तर की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, ठीक है ना। हाँ तो आप क्या कह रही थी? बस यही कि हर अच्छे बुरे नामी और बदनाम इंसान के कर्मों के पीछे कोई ना कोई राज होता है। इंसान जन्म से बुरा और बदनाम नहीं होता, उसे बना दिया जाता है या हालात उसे बनने पर मजबूर कर देते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। चलो अच्छा है, डैड के इर्द गिर्द कोई समझदार इंसान तो है। वैसे आपको एक मशवरा दूं मैं, मेरे डैड से जरा होशियार रहिएगा। क्यों? वरना वो आपकी सोच को ही बदल देंगे। अब तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे। जिंदगी जिसका मजाक उड़ा रही हो वो किसी का मजाक क्या उड़ाएगा। एनीवे मिस निशि, जस्ट कॉल मी निशि। निशि, निशि डैड इस वक्त क्या कर रहे हैं? बिजी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई डिस्टर्ब ना करें। बिजी हैं। दरअसल मुझे आपसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। 25 साल से मेरा डैड लगातार किसी ना किसी बिजनेस मीटिंग में बिजी रहते हैं। I'll just talk to her. Hey, please, please, कपिल, उन्होंने कहा है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे अगर मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया तो और कौन करेगा? रिलैक्स। विल यू? हाय डैड। तुम्हें निशि ने बताया नहीं कि मैं इस वक्त बिजी हूँ? डैड बिजी आप कब नहीं रहते हैं, जब से मैंने होश संभाला है आपको हमेशा बिजी देखा है। अच्छा बताओ किस लिए डिस्टर्ब किया मुझे इस वक्त? डैड एक ही तो चीज है जिसके लिए मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ, एंड यू नो दैट। कितने पैसे चाहिए? डैड बाजार में आजकल खुशियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, और आपसे मिलने के बाद अब तो मुझे ढेर सारी खुशियों की जरूरत होगी। ठीक है ठीक है, जितने पैसे चाहिए हो अकाउंटेंट से ले लेना, और सुनो पुत्र जब कभी थोड़ा सा फुर्सत मिले। फुर्सत ही फुर्सत है मेरे पास, आप ही के पास वक्त नहीं है मेरे लिए। डैड पैसे कमाने में आप इतने मसरूफ हो गए हैं कि आपको इस बात का भी एहसास नहीं कि आपका आपका एक बेटा भी है। इसीलिए बार बार आपसे पैसे मांगकर मैं आपको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता हूं कि आपकी एक औलाद भी है। मुकेश ने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्या क्या सोचकर बैठा था मैं। सब्र करो राज, have patience. देखना एक दिन ये कंपनी तुम्हारी होगी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लंकेश पर भरोसा रखो। लंकेश, 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 I'm sick and tired of this man and this name. क्या वो भगवान है जिस पर हम भरोसा करें? और तुम क्या सोचती हो? हाँ?
हम लंकेश का इस्तेमाल कर रहे हैं। नो सॉरी, वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। राज, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ये तुम्हारी हरकत हमारा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। भले पहुंचाए, वैसे भी कौन सा फायदा हो रहा है हमें? मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरा मन चाहेगा। और तुम देखना मुना कैसे इस्तेमाल करता हूं मैं उस लंकेश को। तुम्हारा लंकेश से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। Come on, guys. मैं बेईमान जरूर हूं मगर बेगैरत नहीं। हाँ करण, मैं तिवारी बोल रहा हूँ। कल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ 11 बजे। कोई खास बात? हाँ, खास बात है। लंकेश को बर्बाद करने की तरकीब मुझे मिल गई है। 11 o'clock, I will be there. See you there. लंकेश, अब देखना है कि तुम क्या करते हो। अरे मोना, तुम गई थी करण के यहाँ उसके माँ बाप का शोक मनाने? गई तो थी तुम्हारे साथ। ओ हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार और जाना चाहिए। क्या है, करण और सुमन को किसी भी तरह से ये शक नहीं होना चाहिए कि हम उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। वो तो ठीक है, मगर मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? उनकी रई से मेरे मुंह पे तमाचा मारती है और कहती है कि वो लोग कहाँ हैं और तेरा पति इतनी मेहनत करने के बावजूद कहाँ है। सब ठीक है, लेकिन ऐसे मौके पे हमें खास संभाल लेना चाहिए, लापरवाह नहीं रहना चाहिए, उनको अच्छा लगता है। ओके बाबा, ठीक है, तुम कहते हो तो चली जाऊंगी और देख आऊंगी कि तुम्हारा करण अपनी माँ बाप की चिता की आग में कैसे झुलस रहा है। तिवारी, लंकेश की फिशिंग बिजनेस के बारे में क्या पता चला? लंकेश फिशिंग की दुनिया का बादशाह है करण। वो लॉबस्टर को मार्केट में आने से पहले ही खरीद कर स्टॉक कर लेता है और फिर मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करके उसे अपने दामों पर बेचता है। उसकी कंपटीशन में कोई भी नहीं है करण। इसका मेन प्रॉफिट होता है जुलाई के आखिरी हफ्ते में, जिसे फिशिंग ट्रेड में गोल्डन वीक कहा जाता है। इनफैक्ट मई से मछली का ऑफ सीजन स्टार्ट होता है, मार्केट में मछली मिलना बंद हो जाती है और लंकेश अपनी स्टॉक की हुई मछली को छोटे एजेंट्स के हाथों अपनी मुंह मांगी कीमत पर बेचता है। उसके बाद ये एजेंट्स मार्केट में ऑफ सीजन के दौरान आहिस्ता आहिस्ता ये मछली बेचते रहते हैं। इन दिनों में प्राइस बहुत हाई होती है करण। लंकेश अपने कोल्ड स्टोरेज में कितना माल स्टोर करता होगा? सुना है कि उसके कोल्ड स्टोरेज में 6,000 टन की कैपेसिटी है और गोल्डन वीक से पहले ये तमाम कोल्ड स्टोरेज जो हैं वो भरे हुए होते हैं। फर्ज करो तिवारी कि उसकी कोल्ड स्टोरेज की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, अगर वो ट्रिप हो जाए तो उसका माल सड़ सकता है। हो तो सकता है करण, पर लंकेश के कोल्ड स्टोरेज जो है वो जनरेटर से ऑपरेट होते हैं। अगर एक ट्रिप होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली चल पड़ता है और अगर तमाम के तमाम ट्रिप हो जाते हैं तो अलार्म बजता है, इसलिए मछली को बचाने का साधन किया जा सकता है। कुछ और सोचो करण। वो मैंने सोच लिया तिवारी, मैं उसी के बिजनेस में घुसकर उसे बेवकूफ बनाऊंगा। इस बार मैं उसका गुरूर तोड़ के रहूंगा। तुम एक काम करो, तुम हिंदुस्तान से 1,000 टन लॉबस्टर इंपोर्ट करो। मैं जानता हूं सारा उसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसी के बिजनेस में घुसकर उसे मार देने में मजा आएगा। इस वक्त लॉबस्टर की प्राइस बहुत हाई है करण,
अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। तुम उसकी फिक्र मत करो तिवारी, मेरे दिमाग में स्कीम आई है। हम लंकेश के मुंह पर उसी के हाथ से थप्पड़ मारेंगे। सोच लो करण, बहुत बड़ा रिस्क है ये, हमें लॉस भी हो सकता है। मुझ पर भरोसा रखो तिवारी, इस बार मैं उसे मात देकर ही आऊंगा और फिर लंकेश ऐसे तड़पेगा जैसे जल बिन मछली। खुशी चाहे जैसी भी हो, खरीदी नहीं जा सकती। जा सकती है, खुशियां खरीदी जा सकती है। तुमको क्या मालूम? जाओ जाओ मेरे डैडी से पूछो। मेरे डैड के मुताबिक इस दुनिया की सारी चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, मोहब्बत भी। इसीलिए कभी उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया। या शायद मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं अपने डैड से मोहब्बत खरीद सकूं। तुमको क्या मालूम निशी? You don't know. Why don't I know? सब समझती हूँ मैं। दरअसल बात यह है कपिल की, खुशी और दौलत दोनों जन्म से एक दूसरे के दुश्मन हैं। इंसान को जिंदगी में दोनों चीजें हासिल नहीं होती, या तो खुशी मिलती है या फिर दौलत। तुम बिल्कुल मेरी बहन की तरह बात करती हो निशी। इसका भी नाम निशी है? नहीं, हाँ। I'm sorry. उसको भी दौलत से बहुत नफरत थी। She used to hate money. लेकिन फिर भी उसको कभी खुशियां नहीं मिली निशी, कभी नहीं मिली। कुछ लोगों के नसीब में ना खुशियां लिखी ही नहीं होती कभी। जैसे कि मैं। चलो बहुत रात हो गई है, तुम्हें घर छोड़ता हूँ। Be a good boy. इसकी कीमत 50,000 दिरहम्स है। Excuse me. इटली से मैंने मंगवाया है। लिमिटेड एडिशन है, एक्सक्लूसिव है, नायाब है, यू नो। हाँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ये गिफ्ट कर सकता हूँ। देखिए, इनकार मत कीजिए वरना मेरा दिल टूट जाएगा। वैसे बंदे का नाम कपिल। अगर ये पीस आपने ऑर्डर किया है तो ये एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकता। ये पीस आपको मुबारक। हाँ, एक बात और, मैं अजनबियों से तोहफे कबूल नहीं करती, खास करके उनसे जिन्हें इस बात की भी तमीज नहीं कि लड़कियों से किस तरह से पेश आना चाहिए। गुड बाय। मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि मैं बदतमीजी करूँ आपके साथ।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मुलाकात आई होप। क्या बात है कपिल साहब, आज आप कुछ ज्यादा ही पी रहे हैं। हाँ दोस्त, मैं उस चेहरे को धुंधला, बिल्कुल धुंधला कर देना चाहता हूं, लेकिन वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती है। ऐसा कौन सा चेहरा है? वही जिसने कपिल को दीवाना कर रखा है। यू नो डेविड, उसमें एक अजीब सी अट्रैक्शन है, एक अजीब सी कशिश है, एकदम हाई होम, यू नो हाई होम। लेकिन उसका तीखा स्वभाव और उसके चेहरे की मासूमियत कुछ मिलती नहीं आपस में। लगता है जैसे आग और पानी का संगम हो गया हो। But my friend, she's exclusive. She's a limited edition. She's high home, you know high home. She's high home. चीज वो कपिल, आज तक किसी लड़की ने मुझे धुतकारा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा किया। मेरे पैसे का, मेरे स्टेटस का, मेरी पर्सनालिटी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हो सकता है वो खुद रही सो। हो सकता है बट शी इज डिफरेंट, शी इज हाई होम। तुम पता क्यों नहीं करते कि वो कौन है? पता तो करना पड़ेगा दोस्त। I have to find out who she is. Give me 5. Hi-ho!